हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फैमिली फिल्म इंडस्ट्री प्लैनेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 15वें सीजन के बारे में, जो कि सलमान खान कृत एंकर किया गया शो है। आपको बता दें कि आपने थंबनेल सही जाना, सही पढ़ा है, सही देखा है। ये शो जीतने के बाद तेजस्वी प्रकाश बोली, आखिर समय तक कोई चाहता नहीं था कि मैं शो जीतूं। जी हाँ, आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में बिग बॉस 15 की 15 की ट्रॉफी जीती है। हालांकि कई लोगों को उस जीत से खुश नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो जीते हैं। साथ ही उन्होंने एकता कपूर का नया शो नागिन 6 का भी ऑफर उनको मिला है। इसकी अनाउंसमेंट ग्रैंड फिनाले के एपिसोड में की गई थी। अब हाल ही में एक हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अपनी जीत के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी जीत से काफी सारे लोग नाखुश हैं। उन्होंने आगे कहा, देखिए तेजस्वी प्रकाश जो है 15 बिग बॉस 15 की विनर है, तो आपको बता दें कि बिग बॉस के 15वें सीजन की विनर तेजस्वी प्रकाश बनी है। तो शो जीतने पर तेजस्वी ने 15 की बिग बॉस 15 की ट्रॉफी के साथ 40 लाख रुपए की प्राइज गनी भी उनको मिली है। ठीक है, उनको गिफ्ट में मिली है। आपको बता दें कि प्रतीक सहजपाल सीजन के फर्स्ट रनर अप रहे हैं। करण कुंद्रा के निशान भट्ट टॉप पर 4 में शामिल रहे। हालांकि निशांत ने ऑप्शन दिए गए 10 लाख रुपए कैश को लेकर छोड़ दिया। जी हाँ, उन्होंने शो छोड़ दिया। रश्मि देसाई और शमिता शेट्टी भी फाइनल लिस्ट में रही है। आपको आगे बता दें कि तेजस्वी को पता था कि लोग नहीं चाहते कि वह शो की विनर बने। जी हाँ, उन्होंने खुद कहा कि मुझे पता है कि लोग मेरे खिलाफ थे। शो में जब मैं अपनी जर्नी वीडियो देख रही थी, तब मुझे एहसास हो चुका था कि शो में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे खिलाफ हैं। जब मैं स्टेज पर सलमान खान के साथ खड़ी हुई थी, तब भी आखिरी समय तक कोई नहीं चाहता था कि मैं शो जीतूं, उसकी विनर बनूं। जब तक ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं आई, तब तक लोग यही सोच रहे थे, यही चाह रहे थे कि मैं हार जाऊं। जी हाँ, लेकिन मुझे यकीन है, जिसके साथ कोई नहीं होता, उसका सिर्फ खुदा होता है। उन्होंने कहा कि मेरी जीत सिर्फ मेरी जीत है। जी हाँ, कई लोगों को तो ऐसा भी लग रहा है कि ये नागिन 6 का हिस्सा होने के बाद इनको ये विनर बनाया गया है। उनका ये कहना है कि शो मिलने की वजह से उनको विनर घोषित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे नागिन 6 का जो शो मिला है वो इसलिए ऑफर हुआ है क्योंकि बिग बॉस में मैं अच्छा कर रही थी। अगर मैं बिग बॉस में अच्छा नहीं भी जीतती, तब भी मुझे शो मिलना ही मिलना था। तो सो मेरी जीत है। मुझे नागिन शो मिला है इसलिए मैं जीती हूँ, ये कहना गलत है। जी हाँ, उन्होंने आगे क्या किया, अपने कंटेस्टेंट से सवाल पूछा। तेजस्वी कहती है, लोगों को इस बात पर यकीन करना इतना मुश्किल हो रहा है कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसे नागिन 6 का शो मिला हो और वो एक शानदार प्लेयर भी हो। आपको बता दें कि घर में सभी लोग मुझे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में देख रहे हैं। लोग चैनल पर जितना चाहे आरोप लगाए, इल्जाम लगाए, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, एक जवाब दीजिए, आप पहले दिन मुझसे इतना क्यों डर रहे थे? जी हाँ, अब बात करते हैं बाकी सारे रनर अप्स के बारे में। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15वें सीजन में जो थे बाकी रनर अप, उनका नाम था प्रतीक सहजपाल, जो कि फर्स्ट रनर अप रहे हैं। अब हाल ही में प्रतीक सहजपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके खुलासा किया है कि शो के बाद सलमान खान ने उन्हें एक गिफ्ट दिया। जी हाँ, दरअसल शो के बाद सलमान खान ने प्रतीक सहजपाल, राजू अदतिया, ईशान सहगल, रितेश राखी सावंत समेत कई कंटेस्टेंट को एक पार्टी दी थी। इस आफ्टर पार्टी की कुछ फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करी। आपको बता दें कि प्रतीक सहजपाल ने इस आफ्टर पार्टी के सलमान खान के साथ फोटो शेयर करके उन्होंने कहा कि भाईजान ने उन्हें एक पार्टी में ही अपनी एक व्हाइट टी शर्ट गिफ्ट करी। जी हाँ, फोटो के कैप्शन में प्रतीक ने लिखा है कि आपका प्यार, सपोर्ट और टी शर्ट के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मुझ पर गर्व होगा। आप सपने सच होते हैं, बस हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। आगे लिखते हैं राजू अदतिया, उन्होंने भी पार्टी के फोटो शेयर करके लिखा आफ्टर पार्टी में लीजेंड सलमान खान के साथ। जी हाँ, आप फोटो देख सकते हैं उनकी। हमेशा की तरह अद्भुत मेजबान होने के लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। शो में हमेशा में मेरा मार्गदर्शन और देखभाल करने के लिए बहुत सारा प्यार। इस प्यारी सी आफ्टर पार्टी के लिए भी बहुत बहुत सलमान भाई का धन्यवाद। आपको बता दें कि इसके अलावा राखी सावंत के पति रितेश ने भी सलमान के साथ एक फोटो शेयर किया। उन्होंने कहा, लव यू सलमान भाई, आपके प्यार को पूरी जिंदगी दिल के कोने में सहज करके रखूंगा, आपको हमेशा प्यार। ईशान सहगल ने भी पार्टी में सलमान के साथ फोटो शेयर करके कहा अबाउट लास्ट नाइट विद भाई। जी हाँ, आफ्टर पार्टी में शो में कुछ एक्स कंटेस्टेंट भी शामिल हुए थे।
आप देख सकते हैं प्रतीक सहजपाल की भी फोटो है सलमान खान के साथ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन, उसके करंट न्यूज़, करंट अफेयर्स, मूवीज़ के बारे में, टीवी सीरियल्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज़ डू इट, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड हिट द बेल आइकॉन। अगर आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सो आई होप यू विल डू इट। थैंक यू।